मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में 12 और 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होना है। इस दौरान होने वाले कई कार्यक्रमों के बीच खादी का फैशन शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। महोत्सव में मंगलवार 12 जनवरी की शाम खादी के कपड़े पहनकर इस फैशन शो में रैंप पर प्रतिष्ठित मॉडल डिम्पल पटेल की अगुवाई में कैटवॉक करेंगी। इस दौरान ये नामचीन डिजाइनर अस्मा हुसैन, रूना बनर्जी और रूपिका रस्तोगी गुप्ता द्वारा डिजाइन की गई डिजाइनर ड्रेस पहनेंगी। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को चंपा देवी पार्क में महोत्सव के मुख्य मंच पर शाम 5:30 बजे से 6:15 बजे तक आयोजित होगा। टॉप 16 प्रोफेशनल फेमिना मॉडल्स रैंप वॉक करेंगी। टॉप डिजाइनर्स के 3 राउंड होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मनोरंजन फिलर तनुरा नृत्य की भी प्रस्तुति देंगे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खादी के मुरीद हैं। हाल के वर्षों में इसकी लोकप्रियता और रेंज दोनों बढ़ी है। अब इसे युवा भी पसंद करने लगे हैं। यह खद्दर ही नहीं बल्कि सूती मसलिन सिल्क के रंग बिरंगे डिजाइन में आ रही है। महिलाएं खादी की साड़ियां पसंद कर रही हैं। वहीं खादी का कुर्ता सूट अब चलन में है। इको फ्रेंडली होने के नाते यह त्वचा के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। खादी ग्रामोद्योग में खादी के कई वस्त्र उपलब्ध हैं। डिजाइनर अस्मा हुसैन कहती हैं कि सूती खादी, कॉटन, सिल्क, मसलिन आदि में लड़कों के लिए लंबे व शॉर्ट कुर्ते व धोती पसंद किया जा रहा है। लड़कियों के लिए टॉप, शर्ट, कुर्ते, कुर्ता, सलवार, साड़ी, सूट मटेरियल खादी ग्रामोद्योग में आसानी से उपलब्ध हैं। खादी को सिल्क, वूल और कॉटन के साथ मिक्स किया जा रहा है। सिल्क और खादी के वस्त्रों को 50-50% के अनुपात से निर्मित किया जा रहा है। फैब्रिक महंगा है लेकिन राष्ट्रीय लुक देता है। इसमें सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, साड़ी, जैकेट आदि परिधान बाजार में उपलब्ध हैं। प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने बताया कि शुद्ध रूप से देशी, हाथ से बनी और इको फ्रेंडली खादी वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है। यह जंगे आज़ादी का प्रतीक है। खादी ने देश को गौरवान्वित किया है। इसे पहनने वाले लोग भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गोरखपुर महोत्सव के मंच पर इस गौरव को पिछले वर्ष भी प्रतिष्ठित किया गया था। इस बार भी यह कार्यक्रम महोत्सव की गरिमा बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को खादी पहनने के लिए प्रेरित करेगा। खादी की मांग बढ़ेगी तो स्थानीय स्तर पर बुनकरों और कत्तिनों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी। सूत काटने का काम अधिकांशतः महिलाएं करती हैं। ऐसे में यह मिशन शक्ति और मिशन रोजगार से भी जुड़ता है। यह आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के मुताबिक समृद्धि के नए मार्ग खोलने के लिए खादी के बने वस्त्रों को स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की कड़ी है।